हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बायोकेमिस्ट्री फॉर नर्सिंग स्टूडेंट्स। पेशेंट का कंडीशन को समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री नॉलेज नर्सेस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज आफ्टर द क्लिनिशियन द नर्सेस बेस द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव केयर टू द पेशेंट। बायोकेमिस्ट्री में जो भी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रहते हैं उससे नर्स को अपने आप को बेटर वे में ग्रो करने के लिए हेल्प करेगा। डिसीज़ और बायोकेमिकल टेस्ट के बीच में जो भी क्लिनिकल रिलेशन रहते हैं उसको समझने के लिए बायोकेमिस्ट्री नॉलेज हेल्प करेगा। पेशेंट का लैबोरेटरी रिपोर्ट समझने में ये बायोकेमिस्ट्री नॉलेज हेल्प करेगा। नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द क्लिनिकल कोरिलेशन between patient's drug prescription, emergency handling of patient situation and pathophysiology of the diseases. Knowledge of clinical biochemistry is elementary to the practice of nursing profession, kyunki biochemistry biological sciences ka backbone hota hai. So biochemical pathways aur usme jo bhi changes hote hain ek disease mein usko samajhne ke liye बायोकेमिस्ट्री नॉलेज चाहिए। तो जब भी आपको एक बेसिक बायोकेमिस्ट्री बायोकेमिकल पाथवेज उसमें जो भी चेंजेस होते हैं उसका नॉलेज होते हैं, ये आपको विल प्रोवाइड हेल्प इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ पैथोलॉजिकल प्रोसेस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस डिसीजेस। एक डिसीज को समझने के लिए और कौन सा केयर उस कंडीशन में देने हैं हर एक पेशेंट को, स्पेसिफिक पेशेंट को, उसके लिए बायोकेमिस्ट्री नॉलेज चाहिए। वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट हैव अ मेजर रोल्स इन द डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द डिजीजेस। सो एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरियस बायोकेमिकल टेस्ट, देयर नॉर्मल रेंजेस एंड इंटरप्रिटेशन विल एनेबल देम टू हैंडल एंड टेक केयर ऑफ पेशेंट्स एफिशिएंटली। इमरजेंसी सिचुएशंस में पेशेंट्स को इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने के लिए नर्सेस को बायोकेमिकल टेस्ट इंटरप्रेट करने का नॉलेज होना चाहिए, उसमें बायोकेमिस्ट्री हेल्प करेगा। नर्सेस आर जनरली इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ सैंपल कलेक्शन, सैंपल स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट टू द लैबोरेटरी। कुछ ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट होते हैं बायोकेमिस्ट्री में जिसका सैंपल कलेक्शन, सैंपल टाइप्स, सैंपल स्टोरेज, उसका नीड्स, उसको कितना टाइम तक स्टोरेज कर सकते हैं, स्टोरेज ड्यूरेशन, वो पूरा इम्पोर्टेंट होता है। हर एक सैंपल का हर एक प्रोसेस होता है। सो नर्सेस शुड बी अवेयर ऑफ दीज टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ ऑल दीज प्रोसेस। बायोकेमिकल एनालाइट्स आर यूज फॉर डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस, इमरजेंसी ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स। दीज बायोकेमिकल एनालाइट्स रिजल्ट हैज लाइफ सेविंग रोल। इट इज़ वेरी एसेंशियल दैट द रिजल्ट ऑफ दीज एनालाइट्स, जो भी हम टेस्ट करते हैं, ग्लूकोज एस्टिमेशन, कीटोन बॉडीज एस्टिमेशन, जो भी टेस्ट हम करते हैं उसका रिजल्ट लाइफ सेविंग हो सकता है। सो जब भी आप टेस्ट करते हो रिजल्ट जो भी हमको निकलते हैं दो शुड बी रिलायबल, अप्रोप्रिएट एंड अवेलेबल इन टाइम, सो उसको हम यूज़ कर सकते हैं। नर्सेस कैन सर्व एन इम्पॉर्टेंट रोल टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ बायोकेमिकल टेस्ट। Various biochemical tests need different ways of processing of the sample. For example, enzymes or electrolytes test ke liye serum sample chahiye. Some other tests ke liye plasma sample use kar sakte hain. So jab bhi sample collection karte hain nurses ko ye malum hona chahiye kaun sa collection tube use karna hai. For example, EDTA, नहीं तो प्लेन वायल, हेपारिन, फ्लोराइड एक्सेट्रा, तो कौन सा यूज़ करें उसका नॉलेज होना चाहिए। एक टेस्ट में कितना सैंपल लेना है उसके लिए भी बायोकेमिस्ट्री नॉलेज इम्पॉर्टेंट होता है। सैंपल कितना लेना है वो एक होता है इम्पॉर्टेंट, और सैंपल का टाइमिंग भी इम्पॉर्टेंट होता है कुछ टेस्ट में, सच एज हार्मोन एनालिसिस। सम सैंपल कलेक्शंस नीड टू बी कैरीड आउट इन फास्टिंग स्टेट। कुछ सैंपल्स में हमको सैंपल फास्टिंग कंडीशन में लेना पड़ता है,
फॉर एग्जाम्पल अगर ब्लड ग्लूकोज एस्टिमेट कर रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, ट्राइग्लिसराइड एस्टिमेशन, फास्टिंग सैंपल कलेक्ट करते हैं। नर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंपल्स फ्रॉम वार्ड टू लैबोरेटरी। हियर नर्सेस हैव टू चेक वेदर द टेस्ट रिक्वेस्ट फॉर्म्स आर कंप्लीट और नॉट, लाइक ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेमोग्राफी, कौन सा एरिया से आए हैं, पेशेंट का हिस्ट्री क्या है, उसका क्लिनिकल डिटेल्स, कौन सा टाइप ऑफ सैंपल लिया गया है, वो सारे को चेक करना पड़ता है। नॉलेज ऑफ क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज नर्सेस शुड नो हाउ द सैंपल शुड बी ट्रांसपोर्टेड एंड हाउ लॉन्ग द सैंपल इज इट कैन बी स्टोर्ड बिफोर प्रोसेसिंग। फॉर एग्जाम्पल कुछ टेस्ट ऐसा होता है CKMB, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज, इसमें इंस्टेंट एनालिसिस करना चाहिए। तो जब भी सैंपल आता है उसको इंस्टेंट एनालिसिस करके आपको रिजल्ट देना पड़ता है। कुछ सैंपल ऐसा होता है उसको आप ओवरनाइट स्टोर भी कर सकते हैं। नर्सेस एंड बायोकेमिस्ट्री हैव मेजर इंटरडिपेंडेबल रोल्स टू प्ले, मेनली टू मिनिमाइज प्री एनालिटिकल वेरिएशंस एंड टू हेल्प प्रोवाइड क्वालिटी बायोकेमिकल डाटा फॉर व्हिच द नॉलेज ऑफ बायोकेमिस्ट्री इज रिक्वायर्ड। Learning biochemistry gives holistic approach towards patient care and inculcates the necessary knowledge, attitude, skills related to biochemistry in nurses to get them trained to undertake these roles.